sense that these guys are doing commenting, especially जब आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आपका कमेंट या आप एक पब्लिक फिगर हो, आपका कमेंट देखा जाता है, लोग देखते हैं, तो आप जब ऐसा कमेंट कर रहे हो कि मैं जेल में होना डिजर्व करती हूँ बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स, इट्स सेंडिंग आउट द रॉन्ग मैसेज एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स. आई जस्ट कंप्लेन अबाउट अ गाय, मैं कितनों की कंप्लेन करूँ यार, आई एम इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी. स्टॉप गाइज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. उर्फी जावेद कभी अपने कपड़ों की वजह से तो कभी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है. इन दिनों उर्फी जावेद फिर से चर्चा में है. कहा गया था कि उर्फी को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में खुद उर्फी ने इस बात को झूठ बताया था. लेकिन इस मामले में भारत के हॉकी प्लेयर युवराज वाल्मीकि कूद पड़े. बात इतनी बिगड़ गई कि उर्फी जावेद की आंखों से आंसू निकल गए. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई उर्फी जावेद की दुबई में गिरफ्तार होने का एक पोस्ट पर युवराज ने कमेंट किया था. उन्होंने लिखा था, थैंक यू दुबई, प्लीज प्लीज इसे अपने पास हमेशा के लिए रख लो. उर्फी को और युवराज का ये कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इस कमेंट के जवाब में उर्फी ने लिखा, तुम्हें मेरे कपड़ों से इतनी दिक्कत है और फिर भी मेरे पर्सनल पेज पर मैसेज करते हो. वैसे मेरे पास अभी तुम्हारे भेजे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट है. एक पोस्ट में उर्फी ने भड़कते हुए कहा कि कपड़े मेरे तब भी ऐसे ही थे जब मैसेज किया था, बस मैं तब फेमस नहीं थी. उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो उन्हें जेल में रहने के लिए कहा जा रहा है? रेप और मर्डर करने वाले लोग तो खुले में घूम रहे हैं, लोग उन्हें क्यों नहीं कुछ बोलते? इसके बाद एक इंटरव्यू में युवराज ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी. युवराज ने कहा, उर्फी का दिमाग खराब हो गया है, मैंने कभी ये नहीं कहा, लेकिन वो सही में एक कलंक है. अगर उनके पास मैसेज है तो वो उन्हें शेयर कर सकती है. मैंने पेपराजी को पोस्ट पर इसलिए कमेंट किया था ताकि उर्फी को प्रमोट करना बंद किया जाए. एक इंसान को समझ होनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा कब और कहां पहना जाता है. दीपिका पादुकोण बिकनी पहनकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करती. युवराज का कहना है कि उन्होंने उर्फी जावेद के कैरेक्टर और कपड़ों पर कोई कमेंट नहीं किया. दुबई में उर्फी अपने कपड़ों की वजह से गिरफ्तार होने की खबर हर तरफ थी. उन्होंने बस खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दुबई को उसे अपने पास रखना चाहिए. बता दें कि उर्फी जावेद ने दुबई में गिरफ्तार होने वाली खबर पर कहा था कि पुलिस उनकी शूट लोकेशन पर आई थी. उनके शूटिंग का समय खत्म हो चुका था, इसलिए पुलिस उनके शूटिंग रुकवाने के लिए आई थी. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.